फॉर दोज ऑफ यू हु सेड खदीजा आप अपने बाल क्यों नहीं बांधती, दिस इज वाई। हेलो जी, वापस आ गए हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टू माई वॉशरूम, क्योंकि आज हम करने लगे हैं थोड़ी चेरी स्किन केयर। मेरी मम्मी मुझे आज ही बोल रही थी कि तुम जब इस्लामाबाद में थी तो तुम्हारा पंजाबी टच आ गया था एक्सेंट में, और अब तुम कराची रही हो तो कराची टच आ गया है, और अब मैं घर पर रही हूँ तो क्या टच आ गया है मेरा, सिंधी टच। तो चलते हैं स्किन केयर की तरफ। मैंने अपना मेकअप उतारना था वैसे भी, तो मैंने सोचा कि स्किन केयर ही ज़रा कर लेते हैं, क्योंकि आपस की बात है मैंने भी कुछ दिनों से स्किन केयर नहीं की भी, तो मेरी स्किन थोड़ी सी हो रही है, यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्ली नॉट। तो मैं यूज़ करती हूँ ये वाले कॉटन पैड, आप मीनिसो से भी ले सकते हो, मुझे सबसे अच्छे यही लगते हैं इन ऑल ऑनेस्टी। इसी कंपनी के एक और पिंक वाले आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेने क्योंकि वो बहुत ही बुरे होते हैं। एक छोटू और एक बड़ा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, सो आई जस्ट गोइंग टू ट्राई टू फिनिश दिस ऑफ। बायोडर्मा हैंड्स डाउन इज़ द बेस्ट। ये मेरी थर्ड बॉटल है और एक बॉटल कराची में भी अभी पड़ी हुई है मेरी। आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद द स्टफ, मतलब मुझे लॉरियल पसंद था एक अरसे तक। माई सेलर वाटर है ये, बाय द वे समवन इज़ लाइक क्या बात करिए, ये आई जस्ट लव बायोडर्मा, आई जस्ट कैन नॉट हैव इनफ ऑफ इट। And you will see everything go away from my face right now. Only reason I've started to wear mascara is because I can take this off properly with Bioderma. Varna to 10 mere cotton pads lag jate the, lekin mascara nahi utarta tha. Eye bags ka kya kare jo ki mujhe genetic mile hue hain. Move on to second lens, kyunki aapne abhi sirf micellar water se kiya hai, so don't go to sleep like that, you're not done. अब मैं यूज़ करने लगी हूँ बायो मिरेकल का ऑयल टू फोम क्लेंजर। दिस इज देयर बैम्बू चारकोल क्लेंजर। यू कैन सी आई हैव ऑलमोस्ट लाइक हाफ वे थ्रू तो मैं चली गई हूँ, और इसका सीन ये होता है कि जस्ट टेक इट आउट, लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, एंड देन यू जस्ट गोइंग ऑन योर फेस लाइक दिस। अच्छा, पहले से आपका फेस गीला नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसी तरह से इम्प्योरिटीज़ ये पुल आउट करता है, और फिर जब आप इस पर पानी लगाते हो ना तो फिर ये अपना काम सही से करता है। तो ये थोड़ा मिल्की सा, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन प्रॉबली सी, आई वाज थिंकिंग टू डू ग्रूमिंग टाइप की भी एक वीडियो क्वारंटीन में, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव बीन डूइंग एवरीथिंग माई सेल्फ, सैलॉन्स वगैरह तो जा नहीं रहे, तो लेट मी नो इफ यू गाइस वांट टू सी दैट। For exfoliation, I'm going to use this ordinary AHA BHA peeling solution. You should use this once a week, depending on your skin type or depending on your skin concern. I have seen a dramatic difference in my skin जब से मैं इसको use करती हूँ, लेकिन the only issue is I don't use it too often. मुझे हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा इसे यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। So आपको अगर ये लेना है तो आप इसे हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज़ दिस इज़ गुड स्टफ़। मैं पहले इससे बहुत डरती थी, मुझे लगता था कि ये बहुत ही कोई ज़्यादा तेज़ एसिड मैं अपने मुंह पे लगा रही हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। इट्स रियली, आई वुडन्ट से इट्स माइल्ड, बट एटलीस्ट फॉर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़। जैसे इससे पहले मैं पिक्सी का पील एंड ग्लो यूज़ कर रही थी, और मैं वैसे भी स्क्रब्स वगैरह यूज़ करती रहती हूँ, तो उसके लिए इसने मुझे कोई ज़्यादा टफ टाइम नहीं दिया। क्वारंटीन ग्लो अप इसीलिए है क्योंकि अब मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ जो मैं नॉर्मल डेज में भूल जाती थी। अच्छा, तो आप जब पहली पहली दफ़ा इसे लगाओगे ना तो ये थोड़ा सा हार्श फील होगा, लाइक यू फील लाइक वेरी टाइनी नीडल्स ऑन योर स्किन, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कम लगाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता इसका। So put it on generously. अभी मैं और इसके ऊपर ऐड करूँगी, डोंट वरी। जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट पुटिंग इट इन द एरियाज दैट आर लाइक ब्रोकन, या इफ दे हैव एनी सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, इफ यू फ्रेशली शेव्ड आई गेस, और वैक्स्ड, और इफ दे फ्रेशली हैड अ पिम्पल या इस तरह का कोई सीन है तो उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं लगाएं। आई एम पुटिंग वेरी लिटिल बिट ऑन माई नोज क्योंकि आई एम गोइंग टू डू अ पोर स्ट्रिप एज वेल, सो आई डोंट वॉन्ट टू इरिटेट इट टू मच। It has been 10 minutes. Let's wash this off. Just wanted to come out in the sun to show you guys how this looks. Nose strips ke liye main use kar rahi hu Tony Moly ki egg pore
नो स्ट्रिप, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की हुई अपने, एंड द ओनली सैड पार्ट इज़ कि ये इजीली अवेलेबल नहीं है. मैंने AK Mart एक वेबसाइट है वहाँ से मंगवाई थी, लेकिन वहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है अब, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लिंक अप कर दिया था इसे. सो इफ़ आई फाउंड एनी मोर लिंक्स फॉर दिस आई लीव दम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. लेकिन आप जिस भी कंट्री में हैं, अगर आपको ये मिल जाती हैं, सो प्लीज़ डू यूज़ दीज, बिकॉज दीज आर द बेस्ट पोर स्ट्रिप्स आई हैव यूज टिल डेट. टोनी मोली की हैं एग पोर, अमेजिंग स्टफ. एंड दे हैव अ लिटिल मास्क जो एग पोर के मास्क के नाम से है. आई हैवन ट्राइड दैट, सो आई डोंट नो कि वो किस तरह काम करता है, बट आई स्वेयर बाय दीज नो स्ट्रिप्स. तो इसीलिए अब मैंने एक टावल के ऊपर, फेस टावल के ऊपर, मैंने गर्म पानी में इसको थोड़ा सा डिप किया है और मैं अपने नोज पे इसको लगा रही हूँ, थोड़ा सा जस्ट वेट इट अप अ लिटिल बिट. फ्रॉम एडिटिंग खदीजा, ये बहुत ही टेढ़ा लगा हुआ है आई नो, लेकिन आई वॉज यूजिंग द व्यू फाइंडर एज माई मिरर और मुझे नज़र नहीं आ रहा था सही से, क्योंकि मेरी दूर की नज़र सही नहीं है. सो प्लीज़ एक्सक्यूज द एक्सट्रीम टेढ़ानेस ऑफ दिस नोज ट्रिप. प्रेस की ज़रूरत पड़े तो यू कैन ऑल्सो प्रेस ऑन विद द टॉवल ऑन इट. मेरे ख्याल है काफ़ी टाइम हो गया अब, तो अब इसको उतार दिया जाए. लेट्स सी If this grosses you out, skip ahead. अच्छा, तो ऑब्वियसली सिंस ईद भी आ रही है, आई वॉन्ट माई स्किन टू लुक सुपर नाइस एंड ब्राइट. और जो मैंने आज एक्सफोलिएटिंग पील सॉर्ट ऑफ की है वो भी इसी लिए है, और ये मास्क भी इसी लिए है. ये है डॉक्टर जार्ड का डॉक्टर जार्ड का ब्राइटनिंग सॉल्यूशन शीट मास्क है, और इसके अंदर नियासिनमाइड और भी बड़े अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को विजिबली ब्राइट करते हैं, अनइवन स्किन टोन को कम करते हैं और डार्क स्पॉट्स को भी कंसील करते हैं. सो दैट्स आवर गोल टुडे. आई एम गोइंग टू पुट दिस ऑन देन, एंड आई विल लीव अ लिंक टू जहाँ से आप लोग ये चीज़ें ख़रीद सकते हो. ओए 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 ओए, ये तो बड़ी लीकेज हो रही है सर इसकी. अच्छा, डॉक्टर जार्ड के मुझे मास्क की ये बात अच्छी लगती है कि इनके अंदर ना ऑलरेडी एक शीट होती है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी साइड सही है और कौन सी साइड गलत है. Do a little bit of this action. Mask ज़्यादातर dry हो गया है, but I just want to make sure कि मुझे सारे के सारे benefits मिले इसके अंदर से. So अब मैं अपने फेस वगैरह से मसाज कर लेती हूँ. अंडर आइज में हमेशा रिंग फिंगर के साथ करना है, एंड यू वांट टू डू इट ऑन योर फेस लाइक गोइंग अप. सो इट्स बेटर अगर आप फिंगर से करो, आई एम नॉट फ्लिकिंग एनी वन ओवर, बट इट्स बेटर अगर आप फिंगर से करो, और इफ यू हैव वन ऑफ दोज रोलर्स दैट्स ऑल्सो गुड. सम ऑफ दिस एक्शन इन केस यू आरंट एबल टू फाइंड जो मैंने मास्क दिखाया है आप लोगों को डॉक्टर जार्ट वाला, तो मेरे पास और भी रिकमेंडेशन हैं आप लोगों के लिए. ये आपको मिल जाएंगी बड़ी ईजिली किसी भी कोरियन स्किन केयर वेबसाइट से या किसी दराज वगैरह से भी, आई गैस आपको मिल जाएंगी. आई रियली लाइक नेचर रिपब्लिक के मास्क. इनिस फ्री के भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे पास वो ख़त्म हो गए हुए हैं. नेचर रिपब्लिक के बहुत अच्छे होते हैं. लीजी हार्म is the name of this brand. ये भी बहुत अच्छा होता है. इसके अलावा talked about मेली शीट मास्क as well. This is the last one that I have, इसीलिए मैं इसको बचा के रख रही हूँ थोड़ा सा. Lastly we have बायोमेडिकल. ये आपको पाकिस्तान में भी, मतलब obviously अभी shops वगैरह तो खुली भी नहीं है, लेकिन normally ये sensation पर available होती है, वरना आपको online भी मिल जाएगा. I don't know about दराज, लेकिन इनकी अपनी website से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी. So जो भी चीज़ें हैं मैं आपको link कर दूँगी description box में. You can go check out their prices and things like that. Normally अगर मैंने कोई इनमें से normal sheet mask use किया होता जिसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी, सिर्फ मॉइस्चराइजिंग वाला था, तो मैं इसके बाद कोई सीरम यूज़ करती मे बी ब्राइटनिंग के लिए, मे बी किसी और चीज़ के लिए. लेकिन सिंस ब्राइटनिंग श्राइटनिंग हमारी सारी हो गई है और उसमें सारी अच्छी क्वालिटीज़ वाली सारी चीज़ें जो थी वो हमने डाल दी हैं, तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई रूटीन विद दिस
मॉइस्चराइजिंग क्रीम. दिस इज़ क्लिनिक की मॉइस्चर सर्च एंड आई हैव रियली बिन लाइकिंग इट, लेकिन ओनली फॉर डेज व्हेन आई रियली रियली नीड द मॉइस्चर. क्योंकि अदरवाइज अगर मेरी स्किन ऑयली हो रही हो और मैं इसे यूज़ करूँ ना, तो मेरी स्किन ज़रा क्रेजी हो जाती है और बम्पी सी भी हो जाती है. सो आई जस्ट ऑल्टरनेटेड विथ लॉरियल हाइड्रा फ्रेश, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. बट दिस इज़ इस बाल को बड़ा ज़रूरी था अभी आना. बट दिस इज़ व्हाट आई यूज़, थोड़ा सा जस्ट टू इंश्योर के देयर इज़ मॉइस्चर इन माई स्किन. माई डेली मॉइस्चराइजर जो मैं रेगुलरली यूज़ करती रहती हूँ, ऐसे मुँह धो लिया वजू के बाद, थिंग्स लाइक दैट, आई यूज़ हाइड्रा फ्रेश फ्रॉम लॉरियल. और ये एक्वाइसेंस वाली है, मैट वाली नहीं है, एक्वाइसेंस वाली मुझे बड़ी पसंद है, मेरी स्किन को भी सूट करती है. सो दैट्स व्हाई आई गॉट इट. इट्स फॉर अराउंड 1000 or 1100 rupees. सेल पर अगर आपको मिल जाती है ज़्यादा अच्छा है. बट आई रियली लाइक दिस. दिस इज़ माई 4th or 5th टब एंड देर इज़ नॉट अनदर मॉइस्चराइजर जो मुझे इससे ज़्यादा पसंद हो. इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन और oily T-zone and dry skin like me, yeah, summers में तो बिल्कुल combination हो जाती है मेरी skin. Moving on to the last step, I am going to put on some good old Vaseline. Honestly, दुनिया के सारे lip balms try कर लिए, लेकिन इससे बेहतर कुछ नहीं है. और आप लोगों को भी easily available होगा, इसलिए I'm going to use this. And this is the pink one, so it kind of makes my lips a little bit pink as well. अभी अगर खिड़की के पास बैठ रहे हैं, और if you're staying out in the sun, then you should wear sunscreen. But since I am not sitting here, मैं अपने कमरे में चली जाऊँगी, मेरे कमरे में एक कतरा नहीं आता sunlight का. So I am just going to leave it like this and let all the goodness soak in. अब आपने मुझे बताना है कि आप अपना ख्याल किस तरह रख रहे हैं इस quarantine में. And let me know also if you guys want to see like facial grooming, facial hair removal kind of a video as well, कि मैं किस तरह कर रही हूँ घर पर बैठे हुए. Let me know in the comment section down below. Thank you so much for watching this video. If you liked it, give it a thumbs up and also subscribe to my channel. अगर आपने अभी तक नहीं किया, जो red button है जिसके ऊपर subscribe लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपने click करना है. I'm going to see you guys in my next one. Till then, take very good care. Bye.